थैंक यू अरे कहा था वेट 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 मैम लुक यार वेट वेट मिनट मत गिरा गिरा तो लेके कर ले यार दांत मार यस ए कैमरा हां आई लाइक अरे कड़क लाइट वे क्या है यहां सडन तू वे जरा भी ऐसे आटा तो आटा तो वेट 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 दुबी दो वेट 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 थैंक यू वेरी गुड चल हो गया क्या बात करण भाई सर इधर निकल करण सर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गाने इतने सारे आ रहे हैं और इतने सारे गाने अच्छे चल रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हो कि मैंने अभी पिछले 2 साल में अपना सब चालू किया है और 2 साल में मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे करें जैसे दोस्त है जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे सब गाने कर रहे हैं और गाने अभी जैसे आपने देखा था कि लास्ट गाना मेरा बारिश आई है जो आया था करण एंड तेजस्वी के साथ जो गाना ऑलरेडी अभी 60 मिलियन पे चल रहा है एंड बहुत जल्दी पिकअप हुआ है क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब म्यूज़िक पे 50 मिलियन होना बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि वो पिछले साल की बात अलग थी आज के साल की बात अलग हो गई क्योंकि आज के टाइम पे अगर गाना 100 मिलियन क्रॉस हो जाए मतलब ये बहुत बड़ा गाना है सो इट हैज़ ऑलरेडी टच 60 मिलियन सो ऑब्वियसली विद हर गाने के बाद ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वैसे ये गाना ये जो गाना है ये बहुत बड़ा गाना इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है जानी जो सबसे बड़े शायर है हमारे आज के टाइम पे मुझे लगता है कि इंडिया का नंबर वन शायर और नंबर वन कंपोज़र चाहे वो दिलजीत के गाने हो चाहे वो बीपराग के गाने हो चाहे वो नेहा कक्कर या अरिजीत सिंह के गाने हो सारे कंपोज किए उन्होंने और सारे गानों को उन्होंने इतने अच्छे से बनाया है लिखा है सो ये मेरा उनके साथ पहला कोलैब है इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे बहुत सारे कोलैब हो चुके हैं श्रेया जी के साथ मेरा कोलैब था जिसमें करण फीचर हुआ था जिसमें एक बार मोहसिन फीचर हुआ था तो ये सारे कोलैबोरेशन के साथ साथ ये कोलैबोरेशन होना ज़रूरी था क्योंकि चंडीगढ़ में एक इतनी बड़ी ऑडियंस है जो ये पंजाब की जो ऑडियंस होती है और ये पंजाब के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे इस वक्त जानी अभी तो इंडिया के नंबर वन आर्टिस्ट हो चुके हैं तो इनके साथ कोलैब करने से मेरा एक मार्केट और बढ़ रहा है क्योंकि जैसे कि इस साल मेरे बहुत सारे गाने फिल्म के आए अभी मेरा रक्षाबंधन में गाना था टाइटल ट्रैक था बट इस साल के एंड में मेरा भाई के साथ गाना आ रहा है भाईजान के साथ गाना आ रहा है तो वो भी बड़ा गाना है बट सबसे कहते हैं ना कि सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सिंगल में आप खुद होते हो वीडियो में और लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं जल्दी रील्स बनाते हैं गाने वायरल हो जाते हैं और मेरे जितने भी गाने होते हैं आप देखोगे तो वो वैसे गाने होते हैं जो हर इंसान रिलेट कर सके मेरा गाना वो है जो शायद आप ऑटो में जाते हुए सुनना चाहो या फिर कोई रिक्शा वाला बजाना चाहे मेरा गाना वो है जो आप किसी भी जगह सुनना चाहोगे चाहे थोड़ा थोड़ा प्यार है बारिश बन जाना है मेरे गाने बड़े इजी होते हैं और बड़े आसान होते हैं गाने के लिए तो ये वही गाना है जाना बड़ी सिंपल लाइन है जाना 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 तो बहुत ही सिंपल सी हुक लाइन है और उतना ही प्यारा लिखा है जानी ने तो एक इतनी बड़ी टीम है और देसी मेलोडीज़ के हर गाने मतलब सुपर हिट होते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी इस गाने में काम करना और ये सब करने के बाद काम्या जिन्होंने इसमें इस गाने में हमारे साथ एक कोलैब किया है एंट्री मारी है और काम्या बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हो हम लोग को लग ही रहा था कि या तो हमें एकदम ही एक फ्रेश फेस चाहिए या तो हमें कोई बहुत ही नोन एक्ट्रेस चाहिए हम लोग जान रहे थे हमें काम्या को जब देखा तो सबको लगा कि यार शी इज़ द परफेक्ट फेस फॉर दिस वीडियो शी इज़ प्रीटी लुकिंग शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट परफॉर्मर और उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया पूरे सॉन्ग में थ्रू आउट सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर नॉट ओनली मी आई थिंक द एंटायर देसी मेलोडीज़ टीम एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी टू हैव हर एंड वी आर सो प्राउड दैट हाउ शी इज़ वर्क अब बस काम्या गाना प्रमोट कर देना चीज़ गाइस प्लीज स्टेबिन ने इतनी तारीफ करी है अभी मेरे को लेट डाउन मत करना और सेम मुझे स्टेबिन के साथ हमारे अरविंदर सर जो हैं पूरी जो टीम है सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया बहुत एक फ्रेश टीम के साथ काम किया है मैंने और आई मीन सर इतने बड़े डायरेक्टर हैं अरविंदर सर और जानी जिन्होंने लिखा है गाना बहुत ही प्यारा गाना लिखा है और जो गाया है हमारे स्टेबिन ने वो बहुत ही प्यारा गाया है तो ऑफ कोर्स क्यों ना हम उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे और आई होप अभी तो लोगों का रिएक्शन देखने को मिलेगा अभी सॉन्ग देखने के बाद में तो बस यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार दीजिएगा हमें कुछ
सो आई कैन नॉट से कि कोई एक मोमेंट था हमारे साथ. हमने लाइक दो दिन शूट किया इस गाने का और दोनों दिन हमने बहुत फन किया. पूरी टीम ने हमने मिलके बहुत मज़ा किया था. बारिश आ रही थी पूरा दिन, हम बारिश के अंदर डांस कर रहे थे. कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत फनी थे कि क्या हो रहा है. हम फीवर भी हो गया था स्पेशली मुझे तो, बट उसमें भी मज़ा आ रहा था सबके, क्योंकि सब आसपास इतने अच्छे लोग थे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी सेट पे, तो बहुत मज़ा आया. आई मीन एक एक मोमेंट नहीं बोल सकते, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था सबके साथ. कहीं ना कहीं दे वांटेड ओनली की ये फिल्म ही लगे. कहीं ना कहीं आप पोस्टर देखोगे तो वो काफ़ी शाहरुख एंड काजोल, शाहरुख सर एंड काजोल मैम का लुक दिया गया है, वो आउटफिट्स दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं दे वांटेड टू मेक इट फिल्मी. वो जानबूझ के किया है क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि एक आखिरी जो शॉट है वो हम कह रहे हैं कि हाँ किसी फिल्म का सीन लगेगा. सो हम लोग तो फैन है उनके, हाँ, तो कैसे एक आप किसी के फैन होते तो आप कैसे देखते हो उनको, तो वही हम लोग, हम उनके बड़े फैन है, तो हम उनकी तरह एक्टिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कि हम तो इनकी तरह बनना चाहते हैं और हम फिल्मी है. सो दैट इज व्हाई इट हैज द पोस्टर लुक्स लाइक कि स्टेबिन एंड काम्या एंड लाइक शाहरुख सर एंड काजोल मैम वाला वो जो पूरा लुक दिया हुआ है, जो पूरा किया हुआ है. सो इट्स अ वेरी फनी सॉन्ग. इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं सब वेरी क्यूट है. मोमेंट्स आई फील वेरी क्यूट लविंग सॉन्ग और मजा आया करके. आई मीन हमारे हिंदुस्तान की सारी ऑडियंस को तो सब रोमांस सबको पसंद है और शाहरुख सर को तो देख के सब बड़े हुए हैं और मैं भी हुई हूँ, तो वो बस हमने किया है गाने में, जैसे लिरिक्स भी हैं तो बस. और ये ना वैसे बारिश के टाइम पे रिलीज़ हो रहा है, इट्स अ वेरी मच बारिश वाला सॉन्ग, बट इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू बी अ बारिश सॉन्ग, इट इज़ ओनली ऑल्सो गोइंग टू बी द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द ईयर. बिकॉज इसकी जो लाइन है, तेरे इतने पास आना है बारिश में, तुझे गले से लगाना है बारिश में, मतलब ये हर लाइन इतनी रोमांटिक है ना, मुझे लगता है कि शायद ही इतनी रोमांटिक लाइंस अभी किसी गाने में आई है. मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई गाना आया है, क्योंकि मेरे खुद इतने गाने रिलीज नहीं हुए, अभी रिलीज होने वाले हैं. सो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट सॉन्ग जिसे कम आउट. या आई वुड वांट कि आप लोग सुनो और जेन्युइनली जाके सुनो, और जब गाना हिट हो जाए तो रील बना देना. वैसे तो गाना हिट होना ही है तो बट रील जरूर बनाना और टैग जरूर करना. और टैग करना, और ऑब्वियसली हम लोग नए आर्टिस्ट हैं और ज्यादा प्यार की जरूरत होती है हम लोगों को, क्योंकि हम दोनों अभी नए हैं कि आपको कितना पसंद आया. तो बस प्यार दीजिएगा यूट्यूब पे, आपके पेजेस पे, आपके इंस्टाग्राम पे, और टैग अस, मेक सो मेनी रील्स एंड टैग अस एंड देन वी विल सी. और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा लाइव सुना लेते हैं ना. बिल्कुल जाना 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 जाना, तो ये गाने की लाइन है. तुझे गले से लगाना है बारिश में और पूरा भीग जाना है बारिश में, तुझे छुके शर्माना है बारिश में और तेरे साथ नहाना है बारिश में. जाना 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 जाना, बस. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच. हाँ जी.